यह है इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी का क्लिप्स चैनल झट झट से सीखते रहो सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन दबाओ देखो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म एक आ, मैंने एम्ब्रेस कर लिया हुँ. आ, कि मैं हर हफ्ते एक बार एक डीप मेडिटेशन करता हूँ जहाँ मैं रोने लगता हूँ और मैं कॉन्शियसली उस मेडिटेशन को स्टार्ट करता हूँ रोने की इंटेंशन से आ, और आप आप भी रोते इन इन प्राइवेट <laughs> पब्लिक में भी रहता <laughs> ये 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 एक्चुअली हमारे आ, आ, समाज की एक बहुत बुरी बात है जो लोग कहते हैं ना टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हाँ। मैं पहले इस चीज को समझता नहीं था हाँ मैं भी मुझे भी लगता था नहीं तो क्या है तो मर दू ना क्यों रोऊंगा mm. यार।, <laughs> और But यार I agree, रोना जब रोते हो, आपको हल्का महसूस है। मैं बहुत सिंपल दे दूंगा, हाँ, जो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे हाँ, आ, रोना ना बिल्कुल हगने की तरह होता है हाँ, मतलब आपके अंदर आपको जो भी पत, हाँ, है, वो एक साथ निकल जाते हैं। हाँ आपको पता है कि यार शिट मेरे अंदर शिट भरी है ठीक है तो आप क्या करते हो टॉयलेट जाते हो और हक देते हो क्राइंग इज एग्जैक्टली लाइक टेकिंग अ शिट दैट्स वॉट आई फील एंड अगर मान लो आप अपने बिजनेस में फंसे हुए हो आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो आप सेल्स कर रहे हो आप निगोसिएशन कर रहे हो आप आप सोच रहे हो आप खुद पर भी प्रेशर डाल रहे हो इन चीजों की वजह से किसी भी बंदे के अंदर इमोशनल टॉक्सेंस भर जाते हैं स्पेशली ऑनटरप्रनोर्स में ऑनटरप्रेनोर्स में वो इमोशनल टॉक्सेंस और ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आप ओपनली किसी चीज को ना नहीं बोल सकते हो किस किसी दो टीम मेंबर्स के बीच लड़ाई हो गई आपको ही जाके सॉर्ट करना उस चीज की वजह से आपके इमोशनल टॉक्सेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और अगर वो, वो बिल्कुल हगने की तरह होता है आपको जाकर हगना है कहा अपने खुद के रूम में या अपने खुद के बाथरूम में या मेरिटेट करके वो रोने के निकालने। हर मर्द के लिए अगर आपको ये लग रहा है कि आपने बहुत सारे इमोशंस को दबा के रखा दबाके है रखा हाँ। तो प्लीज रिलीज किया इधर फाइंड अ पर्सन जिनके साथ आप इमोशन या तो थेरेपी ले सकते हो या तो अगर इट कुड बी लाइक योर मॉम और पेरेंट और फ्रेंड और हुआ जिनके सामने आप रो सकते हो वो एक कम्फर्ट स्पेस आपकी हो जहाँ पे आप सिर्फ आप बात कर सकते हो और रो सकते हो दैट्स ओके बट हाँ थेरेपी इज मोस्ट रिकमेंडेड और जो नहीं कर सकता है वो आइडियली शुड ये ये ट्राई कर, कर लो यार यू नो लोग कहते हैं ना कि हाउ डज मेडिटेशन डायरेक्टली हेल्प मेंटल हेल्थ ये है वो आंसर मेडिटेशन के थ्रू आपके इमोशनल टॉक्सिंस रिलीज हो जाते हैं और ये आप तभी बिलीव करोगे जब आप ये एक्सपीरियंस करोगे आ, तो आई फील कि ये कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है ऑनेस्टली हर हफ्ते में एक बार रोता हूँ आजकल बिकॉज हम बहुत चीजें प्लान कर रहे हैं स्पेशली लॉकडाउन के दौरान क्योंकि क्या होता है ना विदाउट लॉकडाउन मैं आपको मिलता हूँ ऑफिस आ जाता हूँ सोहो हाउस जाता हूँ वहां मुझे stimulation मिल जाती है मैं बहुत सोचता लाइफ के बारे में बकचोदी करते हैं वो खुशी भी मिलती है तो उसकी वजह से इमोशनल बैलेंस हो जाते हैं पर लॉकडाउन के दौरान मैं अपने रूम में बैठा हूँ और यही सोच रहा हूँ कि मुझे दस साल के अंदर कहाँ पहुंचना है बीस साल के अंदर कहा पहुंचना है खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है